हेलो नमस्कार, फूड गुरु मल्होत्रा .com में आपका स्वागत है। आपके साथ है नेहा मल्होत्रा। तो साथियों, आज हम बनाते हैं सोया के परौठे, भरपूर प्रोटीन युक्त सोया, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चों के लिए, सबके लिए। तो आज हम क्रंची सोया के पराठे बनाते हैं। तो देखते हैं इसकी सामग्री। ये हमारे सोया क्रंच, देखिए क्रंची है ये। इस तरह के हमने कटोरी लिया है। हरा धनिया है कटा हुआ, देसी घी पराठे के लिए, अदरक मिर्ची की पेस्ट है 1 टीस्पून, जीरा और धनिया पाउडर है, नमक है स्वाद अनुसार, ये गेहूं का आटा है, ऑयल है और ये पानी है। हमने गैस ऑन किया है। अब हम हमारा ये पैन चढ़ाएंगे और इसमें हम पानी डाल देंगे सबसे पहले, और इस पानी को हम 1-2 मिनट तक बॉईल होने देंगे। देखिए हमारा पानी अच्छी तरह बॉईल हो गया है। इस स्टेज पे हमने ये सोया के जो हमारे क्रंच है इसे हमने डाल देना है, और करीबन इसे हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, और फिर इसे हमने स्ट्रेन कर लेना है। देखिए, चलिए देखते हैं हम, ये हमारे एकदम सॉफ्ट हो गए। देखिए अब हमने क्या करना है, इसे स्ट्रेन करना है और ऊपर से ठंडा पानी डाल देना है इसके। देखिए हमने ये सोया क्रंच एकदम अच्छी तरह से छान लिए हैं, आप देख सकते हैं, और बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने गेहूं का आटा डाल देना है इस तरह से। करीबन हम 4 से 5 पराठे बनाएंगे, इतना आटा डाल लेते हैं, और हम सूखा आटा भी रख लेंगे। इस तरह से आटा डाल देंगे। इसी के साथ हमने क्या करना है, यह जो लहसुन अदरक की पेस्ट है ये हमने 1 टीस्पून ही रखी है, ये वो डाल देंगे पूरी की पूरी इसके अंदर। इसी के साथ हमने इसके अंदर डाल देना है नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं हो और बहुत कम भी नहीं हो, हमने करीबन 1/2 टीस्पून जितना डाला है। और हम ये 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर डाल देंगे, जिसका कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसी के साथ हमने जो कटा हुआ हरा धनिया है ये हम पूरा ले लेंगे इस तरह से। और अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हल्का सा ऑयल डालना है, बिल्कुल थोड़े से पराठे क्रिस्प होने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल देना है इस तरह, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बस ये मिक्स हो गया अच्छी तरह से, तो अब हम इसका आटा गूंद लेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका आटा गूंद लेते हैं। देखिए हमारा आटा मल के हो चुका है, और इसे हमने 5 मिनट तक रख भी दिया था सेट होने को। अब हम इसके इस तरह से गोले बनाते हैं। जितना बड़ा पराठा आप बनाना चाहे, छोटा या बड़ा, इस तरह से आप गोले बना लीजिए। अगर बच्चों के लिए देने हैं तो आप छोटे छोटे बना सकते हैं, वरना बड़े भी बना सकते हैं। देखिए हमने इस तरह से इसके गोले बना के रखे। अब हम इसके पराठे बेल लेते हैं। बहुत आराम से, क्योंकि इसमें हमने सोया डाला है तो थोड़ा थोड़ा ये साइड से क्रैक हो सकता है। आप इसे धीरे धीरे इस तरह रम के साथ करेंगे तो पराठा बन जाता है। आप जो भी साइज का चाहें बना सकते हैं, छोटा बड़ा, हम थोड़ा सा छोटे ही रख रहे हैं। बस इस तरह से हमने बाकी के पराठे भी बेल लेने हैं। ये हो गया हमारा एक पराठा। देखिए हमारा तवा बहुत ही अच्छा गर्म हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमारे पराठे सेकने को ले लेने। हमने छोटे छोटे बनाए इसलिए हम 2 भी एक साथ डाल सकते हैं। एक साथ हम 2 पराठे सेक लेते हैं। हमने गैस को आँच थोड़ा सा तेज ही रखा है आँच को। बहुत ही अच्छी तरह से ये पराठा बेल के हो गए हैं। हाँ, अभी इसे हम थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं और घी लगाना चालू करते हैं इस पर। आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हो, चाहे तो बटर लगा सकते हो, जो भी आप चाहो। अब हमने इसे फिर से एक बार टर्न कर देना है, और इसे अच्छी तरह से हमने सेक लेना है। चलिए चेक करते हैं हम। देखिए बहुत बढ़िया सेक के हो रहा है एक तरफ से, एकदम बढ़िया। अब हमने इसे फिर से थोड़ा घी लगा देना है,
थोड़ा सा घी हमने तवे पे डाल देना है। दोनों तरफ से हमने इसे बहुत अच्छी तरह से सेक लेना है, एकदम क्रिस्पी ब्राउन। देखिए बहुत बढ़िया सिक्के हो गए हैं और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब हमने दूसरी तरफ भी बहुत अच्छी तरह सिक गया है। इस स्टेज पे थोड़ी सी गैस हमने सिम कर देनी है क्योंकि हमने पराठे को जलाना नहीं है। अब हमने इसे टर्न कर देना है। बहुत बढ़िया सिक गया पराठा हमारा, देखिए बहुत ही बढ़िया ये पराठे हमारा रेडी हो। देखिए अपने झटपट हमारे सोया पराठे बनके रेडी हो गए खाने के लिए। ये हमारे पराठे रेडी हैं। बस आप इस तरह से इस पर थोड़ा थोड़ा देसी घी लगाइए, बटर लगाइए और बड़े आराम के साथ आप इसे किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप चाहे तो इसे चटनी के साथ खा सकते हैं, सॉस के साथ खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हो, थोड़ा सा साइड में जैम या केचप के साथ। ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही प्रोटीन से भरपूर है। तो आप इस तरह से घर में ट्राई कीजिए। देखिए मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उन्हें भी इसी तरह हेल्दी और टेस्टी रेसिपी मिलती रहे। तो चलिए अगली और एक हेल्दी रेसिपी के साथ आपको मिलती है नेहा मल्होत्रा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए फूड गुरु चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए।